आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं ध्रुव राठी के नए वीडियो पे जो कि उन्होंने विनेश फोगाट के ऊपर बनाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि आपको ये वीडियो आएगी। बांग्लादेश में जब शेख हसीना को डिक्टेटर कहना था तब तो ध्रुव राठी ने झट से वीडियो बना दी थी, लेकिन आज जो है जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, वहां की महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर ध्रुव राठी को आई थिंक कुछ नहीं कहना है। विनेश फोगाट के ऊपर वो वीडियो लेके आ गए हैं, प्रशासन को आई थिंक कुछ कहना होगा उनको, दैट्स द रीजन कि वो लेके आ गए हैं अपने फैक्ट्स के साथ कि चलो आप फैक्चुअल तरीके से हम एक बार फिर से सरकार को नीचा दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। शायद से विनेश की सच्ची कहानी बताने के लिए आ चुके हैं हमारे ध्रुव राठी जी, एंड आज जानेंगे कि विनेश के साथ गलत करने वाले कौन थे एंड विनेश के साथ क्या गलत हुआ है, कैसे गलत किया गया है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। मेरे विचार जानने के लिए इस पूरे वीडियो पे मेरे क्या विचार रहते हैं वो मैं लास्ट में मेंशन करती हूँ। क्या इनके पास ऐसा प्रूफ आ गया है देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने थंबनेल के ऊपर लिख दिया है रियलिटी ऑफ विनेश फोगाट। विनेश फोगाट की रियलिटी बताने वाले हैं वीडियो के अंदर। सो वीडियो देखने के बाद जैसा जो लगेगा मुझे मैं वीडियो के एंड में मेंशन करूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं एंड आपको ऑनेस्ट एंड ब्लंट ओपिनियन वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिर अगले दिन खबर आती है डिस्क्वालिफिकेशन। देश का मान बढ़ाने वाले इन रेसलर्स को पुलिस के द्वारा फिर सड़क पर घसीटा गया, लेकिन यहाँ चीटिंग हुई थी और चीटिंग की थी WFI ने। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक अपनी हार पर मलाल तक नहीं कर सकती थी और लोग अपने खंजर निकाल कर तैयार खड़े, ऐसे ट्रीट किया कि मैं जैसे कोई मुर्दा चीज हूँ। नमस्कार दोस्तों, दंगल फिल्म के मेन गाने में एक लाइन है, माँ के पेट से मरघट तक तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल। ये लाइन हमारी महान इंडियन रेसलर विनेश फोगाट के लिए बिल्कुल सही फिट बैठती है। बचपन से लेकर अब तक उनकी जिंदगी एक दंगल ही रही है। किन किन चीजों से फाइट बैक करके वो यहां तक पहुंची, पेरिस ओलंपिक्स में एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ, ये पूरी कहानी आज के वीडियो में हम जानेंगे। जो लोग उनके खिलाफ रहे उन्हें एक्सपोज किया जाएगा और उनसे विनेश के आंसुओं का हिसाब भी मांगा जाएगा। इन ओलंपिक्स में विनेश का पहला ही मैच था टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट यूई सुसाकी के साथ, जिन्होंने आज तक अपने पूरे करियर में सिर्फ 3 बाउट्स हारे थे, जिनका इस मैच से पहले 82-0 का रिकॉर्ड चल रहा था। बहुत लोग मानते थे कि इन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन था। टोटल मैच 6 मिनट का होता है और 3-3 मिनट के इसमें 2 राउंड होते हैं। बहुत लंबे समय तक इस मैच में विनेश खुद को डिफेंड करती रही, लेकिन आखिर के 15 सेकंड में उन्होंने यूई सुसाकी को जबरदस्त झटका दिया और मैच पूरा पलट गया। इस ऐतिहासिक जीत की खबर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। वर्ल्ड चैंपियन को हराने के बाद अचानक से विनेश फेवरेट बन गई गोल्ड मेडल जीतने के लिए। अगली स्टेज क्वार्टर फाइनल में उन्होंने यूरोपियन चैंपियन ओक्साना लिवेश को 7-5 से हराया। फिर सेमीफाइनल में उनकी टक्कर हुई पैन अमेरिकन गेम्स चैंपियन यूसनेलिस गुजमान से, जो क्यूबा की रेसलर है। 5-0 से विनेश ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैच जीता और ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने वाली वो पहली इंडियन वुमेन रेसलर बन गई। उनका फाइनल मैच होना था अमेरिकी रेसलर सारा हिल्डेब्रांड के खिलाफ, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनके साथ विनेश की 2019 में 2 बाउट्स हुई थी 53 kg में। इन दोनों मैचेस को विनेश ने जीता था। इसे कंसिडर करते हुए और विनेश के मोमेंटम को देखकर इनका गोल्ड मेडल जीतने का चांस ऑलमोस्ट श्योर लग रहा था, लेकिन फिर अगले दिन खबर आती है डिस्क्वालिफिकेशन। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालिफाई हो गई है। डिस्क्वालिफाइड ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग ओवरवेट। सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश को डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है। पहले दिन उनका वजन था 49.9 kg। ये वे इन करने के बाद एक रिकवरी मील लिया जाता है जिससे कि थोड़ी स्ट्रेंथ मिल सके और थोड़ा सा पानी पिया जाता है। इस रिहाइड्रेशन की वजह से वजन बढ़ता है, ये नॉर्मल बात। प्लानिंग कुछ ऐसी करी गई थी कि विनेश का वजन सिर्फ 1.5 kg ही बढ़े, जिसे रात भर में कट डाउन किया जा सके और जब सुबह दूसरा जब वे इन लिया जाए फाइनल मैच से पहले, तब वजन वापस से 50 kg के नीचे आ जाए। लेकिन कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। विनेश का वजन सेमीफाइनल मैच करने के बाद 52.7 kg पर था। अगली सुबह 7:15 पर दोबारा वजन लिया जाना था। उनके पास 12 घंटे का समय था और 2.7 kg वजन लूज करना था। इसी के चलते वो रात को 1 मिनट भी नहीं सोई, एक घूंट पानी तक नहीं पिया और ना ही कुछ खाना खाया।
पूरी रात वो दौड़ती रही, रस्सी कूदती रही, साइकिलिंग की, सोना का इस्तेमाल किया, बाल भी काट लिए और अपना खून भी निकाल लिया। ये सब करने के बाद 2.6 किलो वजन तो कम हो गया था, लेकिन जब सुबह के 7:15 हुए 100 ग्राम एक्स्ट्रा वजन फिर भी रह गया था। थोड़ा सा टाइम और होता तो वो ये वजन भी कम कर लेती, लेकिन वेन के लिए जो समय था वो 7:15 से लेकर 7:30 तक का था। अफसोस ये पॉसिबल ना हो सका। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई है। 2012 के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और 6-time वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकन एथलीट जॉर्डन बरोज ने ट्विटर पर अपील की कि रूल्स में बदलाव किए जाए और विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाए। ये पूरा वजन घटाने का प्रोसेस इतना मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि विनेश का नेचुरल वेट 55-56 किलो के आसपास है, इसलिए 50 किलो तक लाना मुश्किल होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये इम्पॉसिबल हो और विनेश पहली बार इस कैटेगरी में कम्पीट कर रही हो। जुलाई के महीने में ही इन्होंने स्पेनिश ग्रांड प्री में गोल्ड मेडल जीता था, वो भी 50 किलो की कैटेगरी में ही था। इसी कैटेगरी में इन्होंने ओलंपिक कोटा भी हासिल किया था और इस कैटेगरी में ही ये क्यों आई, इससे ऊपर की 53 kg वाली कैटेगरी में क्यों नहीं गई, इसके पीछे सीधा कारण है कि 53 kg कैटेगरी का कोटा अंतिम पंघाल को चला गया था। इसकी बात आगे डिटेल में करते हैं वीडियो में कि अंतिम को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन इस घटना के बाद विनेश फोगाट ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया ट्विटर पर। मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। इस घटना के बाद हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडवीय संसद में पैसे गिनवाने लगे कि उन्होंने विनेश के ऊपर 70 लाख लगा दिए। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। मनसुख जी, मैं भी आपके पैसे गिनवाऊं यहाँ पर। एक नई जानकारी पता चली है गोवा में आपकी बीजेपी सरकार के बारे में। गोवा के एक एमएलए ने अपनी असेंबली स्पीच में बताया कि आपकी पार्टी की सरकार ने 1,70,00,000 रुपए सिर्फ केटरिंग सर्विसेज पर खर्च किए और 1,33,00,000 5-star होटलों में रहने पर खर्च हुए, 4,32,00,000 VIPs की ट्रांसपोर्टेशन पर और 40,00,000 रुपए के तो आप लोग लड्डू ही खा गए। आपके नेता लोग लाखों रुपए के गॉगल्स खरीदते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदते हैं, सब जनता के पैसे पर। और जनता को क्या मिलता है? टूटी हुई सड़कें, गिरते हुए पुल, रेल दुर्घटनाएं। और आप रुपया गिनवा रहे हो उन खिलाड़ियों पर जिन्होंने अपना तन मन और अपना पूरा जीवन रेसलिंग में लगा दिया, देश का नाम बार बार दुनिया में ऊंचा किया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की तरफ से भी एक बड़ा कैजुअल इनसेंसिटिव रिमार्क आया। बड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। आई विश शी लूजेस दैट 100 ग्राम क्विकली, लेकिन मिलेगा नहीं अभी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी ढेर सारे लोग विनेश का मजाक उड़ाने लगे, उन्हें ही ब्लेम करने लगे उनकी इस हार के पीछे। अच्छा। इन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी एम्पैथी रख कर देखो। एक बार आप विनेश फोगाट की पूरी कहानी सुनोगे, आपकी आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। कितने उतार चढ़ाव और कितने स्ट्रगल्स कोई सह सकता है अपने करियर में, आप हैरान हो जाएंगे देखकर। सही मायनों में इनकी कहानी पर दंगल का पार्ट 2 बन सकता है। ये कहानी शुरू होती है आज से 30 साल पहले। हरियाणा के गांव बलाली में विनेश का जन्म होता है। ये केवल 9 साल की थी जब उनके सिर से पिता का साया उठ गया। उनकी माँ प्रेमलता ने ही उन्हें बड़ा किया, उन्होंने कैंसर से भी लड़ाई लड़ी। विनेश बार बार कहती हैं कि उनकी माँ से ही उन्हें हिम्मत मिली। विनेश की ट्रेनिंग करवाई उनके ताऊ महावीर फोगाट ने, साथ में उनकी बहन प्रियंका और उनकी कजन्स गीता, बबीता, रितु और संगीता। ये सब हो रहा था ऐसे गांव में जहां अभी भी औरतों का घूंघट में रहना आम बात है। लोग ताने मारते थे कि महावीर का दिमाग खराब हो गया है, ये पूरे गांव का नाश कर रहा है, कोई शर्म नहीं बची, अपनी ही बेटियों का तमाशा बना दिया है। विनेश की ताई दया को सुनने को मिलता था कि तुम्हारी बेटी लड़कों जैसी हो जाएगी, इनके चेहरे खराब हो जाएंगे, कोई इनसे शादी नहीं करेगा। तो मेरी मम्मी भी बोलती थी कि बेटा कि आज वो तेरी ताई जैसे बोल रही थी कि तूने क्या पहना है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि कौन सी ताई जी थी मेरे सामने लेके आओ। दंगल फिल्म में मोस्टली सबसे बड़ी बहन गीता की कहानी को दिखाया गया है जिन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। ऐसा करने वाली वो पहली इंडियन वुमेन रेसलर बनी थी। इसके बाद 2012 में जब उन्होंने ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया उसमें भी वो पहली इंडियन फीमेल रेसलर थी। जब आप अपने आसपास किसी को सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं तो उससे इंस्पायर्ड होना काफी नेचुरल बात होती है। ऐसे ही विनेश ने भी अपनी जीत का सिलसिला शुरू किया। इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले उन्होंने जीता 2013 की वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, 2013 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की 51 किलो की कैटेगरी में ब्रॉन्ज और कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू विनेश के लिए आया 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुए थे। 48 किलो की कैटेगरी के फाइनल में उन्होंने एक ब्रिटिश रेसलर को 11-8 से हराकर सिर्फ 20 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। विनेश कांग्रेचुलेशंस,
पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है आपका, आपको लगा था कि कॉमनवेल्थ चैंपियन बनोगे आप? जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो बहुत था कि चैंपियन बनूंगी और सोच के भी आई थी, प्रैक्टिस भी इसी लेवल से करवाई थी कोच ने। तो 2016 में आती है रियो ओलंपिक्स, जहां साक्षी मलिक ने 58 केजीज की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यहां विनेश कम्पीट कर रही थी 48 केजीज की कैटेगरी में। उनका राउंड ऑफ 16 मैच था रोमेनिया की एमिलिया वुक के खिलाफ। इतना स्टनिंग ओलंपिक्स डेब्यू शायद ही कभी देखा गया था। अपने पहले ओलंपिक मैच को ही टेक्निकल सुपीरियोरिटी के दम पे जीता विनेश ने। इसका मतलब है कि आपने अपने ओपोनेंट के दोनों कंधे मैट से लगाकर उन्हें चित कर दिया, या फिर आपने एक बहुत बड़ी लीड हासिल कर ली। फ्रीस्टाइल रेसलिंग में 10 पॉइंट्स। विनेश ने एमिलिया के खिलाफ ये मैच 11-0 से जीता। जब वो क्वार्टर फाइनल में पहुंची तो चाइना की सुन यनान के खिलाफ उनका मैच था। ये मैच भी वो जीत जाती, लेकिन उससे पहले वक्त ने विनेश को पटखनी दे दी। मैच के दौरान उन्हें एक ऐसी इंजरी हुई जिसकी वजह से उन्हें मैट से स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाना पड़ा। ये एक ACL इंजरी थी, यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर। इतनी भयानक इंजरी थी कि उन्हें डाउट होने लगा कि क्या वो इस इंजरी से कभी रिकवर भी कर पाएंगी, कि दोबारा से कुश्ती खेल पाए। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक बातचीत में उन्होंने कहा कि वो रोने लगती थी, रोते हुए सो जाती थी और फिर उठकर रोने लगती थी। उनके लिए ये बहुत ही इमोशनल हलचल वाला समय था। 2-3 महीने तो काफी डिफिकल्ट थे, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे ये पता था कि मुझे रोना है, रो के मुझे सोना है, सो के जब मैं उठती तो फिर मुझे रोना है। उस साल उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला तो वे व्हीलचेयर पर अवार्ड लेने गई थी। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में विनेश ने बताया कि 2017 में उन्हें एक कॉन्कशन भी हुआ था, यानी कि एक माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ये सिर पर कुछ लगने की वजह से होती है। उनका सिर कहीं से भी टकराता तो सब धुंधला दिखने लग जाता। कोई और होता तो शायद इसे किस्मत का खेल समझकर वहीं रुक जाता, लेकिन विनेश के मन में कुछ और ही था। कुछ दिन गर जिंदगानी और है, हमने भी मन में ठानी और है। 2 साल के गैप के बाद वो रेसलिंग में अपना कमबैक करती हैं। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स। यहाँ राउंड रॉबिन फॉर्मेट था, यानी रेसलर्स को 4 के ग्रुप्स में डाला जाता और यहाँ हर एक रेसलर को बाकी 3 रेसलर्स के साथ मैच करना होता। विनेश का फाइनल मुकाबला यहाँ पर हुआ कनाडा की जेसिका मैकडोनल्ड के साथ, और जिस अंदाज में उन्होंने ये मैच जीता, उस हिस्टोरिक मैच की एक झलक स्क्रीन पर देखनी तो बनती है। कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनल मैच कोई रेसलर 13-3 के स्कोर से जीते, ये बहुत ही अद्भुत बात है। विनेश के साथ साथ इन्हीं गेम्स में विनेश के अच्छे दोस्त नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता। मैं एक्चुअल में बस में थी और नीरज का जस्ट फिनिश हुआ था और नीरज तिरंगा लेके घूम रहा था। एथलीट जब आपका दोस्त आपके मतलब तिरंगे के साथ घूम रहा है, दोनों ऐसे बोलते हैं आप गोल्ड लो, मैं भी गोल्ड लेती हूँ, तो वो फीलिंग काफी अच्छी थी। कॉमनवेल्थ गेम्स के जस्ट बाद जकार्ता इंडोनेशिया में एशियन गेम्स हुए और वहाँ पहले ही मैच में विनेश के सामने थी सुन यनान, वही रेसलर जिनके साथ रियो ओलंपिक्स में कुश्ती करते हुए विनेश इंजर्ड हो गई थी। ये मैच विनेश ने 8-2 से जीता। क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल मैचेस जीतने के बाद फाइनल में उनके सामने आई जापान की रेसलर युकी हिरी। इन्हें भी विनेश ने 6-2 से मात दी और ये बन गई एशियन गेम्स की भी गोल्ड मेडल विनर, पहली इंडियन वुमेन रेसलर जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीती। 21 अगस्त को उन्होंने अपनी जीत का ये फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और अगले दिन वापस आते हुए उन्होंने ये फोटो शेयर किया। कैप्शन में लिखा, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला, खुश हूँ कि तुमने मुझे जिंदगी भर के लिए चित कर दिया। ये है सोमवीर राठी, उनके फेलो रेसलर और रेलवे की नौकरी में उनके कोलीग। 7 साल की जान पहचान के चलते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब विनेश की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करी तो सोमवीर ने उन्हें रिसीव किया और शादी के लिए फॉर्मली प्रपोज कर लिया। वहीं पर उनकी सगाई हुई और दिसंबर 2018 में जाकर उनकी शादी होती है। काफी सिंपल शादी थी, लिमिटेड करीबी लोगों को इनवाइट किया था, परिवार, रिश्तेदार और फेलो खिलाड़ी और कोच। रस्मों के नाम पर कोई पैसे की लेन देन नहीं हुई और एक दिलचस्प बात ये कि उन्होंने 7 की जगह 8 फेरे लिए। एक एक्स्ट्रा 8वां फेरा ये संकल्प करते हुए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खेल खिलाओ। कजाकिस्तान में हुई 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप, यहाँ विनेश ने ग्रीक रेसलर को चित करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम लिया और टोक्यो ओलंपिक्स में इसी तरीके से अपनी जगह पक्की बना ली। रियो ओलंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स के बीच में 17 टूर्नामेंट्स खेले थे विनेश ने और इन 17 में से 16 टूर्नामेंट्स में मेडल जीते, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। लेकिन फिर किस्मत दोबारा मोड़ ले लेती है, कोविड पैंडेमिक दुनिया भर में आ जाता है। आपको
बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कहर बरपा रहे कोरोना वायरस भारत में भी पैर पसार रहा है। 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स को एक साल पोस्टपोन कर दिया जाता है और ये 2021 में होती है। Japan's prime minister announced that he and the International Olympic Committee president agreed to postpone the games until 2021. विनेश अब 53 केजीज की कैटेगरी में थी और इस पॉइंट तक ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रेसलिंग की क्वीन बन चुकी थी। सही सुना आपने, ये वर्ल्ड नंबर वन बन चुकी थी अपनी वेट क्लास में। इसलिए इन्हें एक ओलंपिक मेडल जीतने का बड़ा ही ताकतवर दावेदार देखा जा रहा था। लेकिन दुनिया की नजरों से दूर उनके साथ कुछ अलग ही मामला चल रहा था। 2 साल पहले पता चलता है कि उन्हें डिप्रेशन से डायग्नोस किया गया है। वो स्पेन में थी जब उन्हें महसूस हुआ कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। उन्हें नींद नहीं आती थी, कई दिन तक वो जागते रहती थी। जब वापस लखनऊ कैंप आई तो चीजें ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई। कोई कोच उनसे हल्की सी ऊंची टोन में बात कर लेता तो उन्हें रोना आ जाता। एशियन चैंपियनशिप के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि ये बीमारी उन्हें खत्म कर डालेगी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के सब लोग उनकी मदद करते थे लेकिन वो अपनी अंदर की सारी बातें सबको नहीं बता पाती थी, इसलिए उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। अगस्त 2020 में उन्हें कोविड भी हो जाता है जिसके बाद उनका शरीर ढंग से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सोचकर देखिए, एक रेसलर का तो पूरा खेल ही मसल्स और प्रोटीन पर डिपेंड करता है। अप्रैल 2021 में जब वो एशियन चैंपियनशिप से वापस आई तो वो दोबारा से कोविड पॉजिटिव डायग्नोस होती है। कुछ समय बाद जब वो ठीक होती है और बुल्गेरिया जाती है तो पता चलता है कि उनके पूरे परिवार को कोविड हो गया है। जब देश के लिए खेल रहे किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा हो तो सरकार से, अथॉरिटीज से और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से क्या उम्मीद करी जा सकती है? यही ना कि वो खिलाड़ी की हर एक समस्या को लेकर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। कोचिंग, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी कुछ चाहिए वो रेडिली अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मामला चल रहा था। जब हम ऐसे कोई बोल देते कि हमें इस कंपटीशन में जाना है या हमारे साथ में जो स्पोर्टिंग स्टाफ है वो अच्छा नहीं है, हमें और अच्छा चाहिए या कोई भी चीज़, तो अभी बर्दभूषण को पसंद नहीं आता था। वो बहुत चिढ़ जाते थे उसी चीज़ से और उस एथलीट के पीछे लग जाते थे मेंटली टॉर्चर करने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल टोक्यो ओलंपिक्स में भी देखने को मिला। विनेश के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी उन्हें उनकी डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दी गई। किसी रेसलर की मैच से पहले वेट कटिंग करना, बाउट के बाद स्ट्रेंथ रीगेन करना और फिर से वेट कटिंग करना, ये सब बहुत टेक्निकल मामला होता है और इसी सब के लिए एक डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए होता है। लेकिन विनेश के लिए थी सिर्फ वही फिजियोथेरेपिस्ट जो टोक्यो ओलंपिक्स में शूटिंग टीम के साथ गई हुई थी। वो अनफॉर्चुनेटली उनकी मदद नहीं कर सकी जैसे कि कोई रेगुलर फिजियोथेरेपिस्ट करता। विनेश ने कहा कि आखिरी दिन पर जब मैं अपना वेट कट कर रही हूँ, क्या मैं ये सब समझाऊं कि रेसलिंग में कैसे क्या होता है या खुद पर फोकस करूं? एज ए रिजल्ट वो खुद ही अपनी फिजियोथेरेपिस्ट बनी। अपने रेसलिंग बाउट के दिन जब वो सुबह उठी तो उन्हें दर्द सा महसूस हुआ, उन्हें वॉमिटिंग होने लगी। स्टेडियम जाते हुए बस में उन्होंने अपनी फिजियो पूर्णिमा से पूछा कि वो क्या कर सकती हैं। विनेश का पहला मैच था रियो ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सोफिया मैटसन के साथ। विनेश ने 7-1 से ये मैच जीता लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उन्हें वॉमिटिंग जैसा महसूस हो रहा था इसलिए वो कुछ खा नहीं सकती थी। उन्होंने 2 नमक के कैप्सूल्स लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, कोई फायदा नहीं हुआ। वो कंट्रोल में महसूस नहीं कर रही थी और धीरे धीरे उन्हें शिवरिंग होने लगी, उनकी बॉडी कांपने लगी। अगली बाउट में उन्हें पता चल गया था कि वो हार रही हैं। ऐसी पोजीशन से वो पॉइंट दे रही थी जहां से वो कभी नहीं देती थी। दिमाग इस लेवल तक ब्लॉक हो चुका था कि उनसे एक टेक डाउन भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, वो ब्लैंक आउट हो चुकी थी। इस हार ने विनेश को अंदर से तोड़ दिया लेकिन बृजभूषण को अभी भी चैन नहीं पड़ा। WFI ने इनडिसिप्लिन की एलिगेशंस लगाते हुए विनेश को टेम्पररली सस्पेंड कर दिया। इन्हें एक शो कॉज नोटिस इशू किया गया इनडिसिप्लिन के 3 चार्जेस पर। एक, इन पर आरोप लगाया कि अपनी टीममेट्स के साथ नहीं रही और उनके साथ ट्रेनिंग नहीं करी। दूसरा एक कारण बताया कि इन्होंने अपनी ऑफिशियल किट स्पॉन्सर शिव नरेश की जर्सी नहीं पहनी थी मैच के दौरान। विनेश ने सीनियर लॉयर विदुषपत सिंघानिया के जरिए WFI नोटिस का फॉर्मल रिप्लाई किया। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ IOC और जापानीज गवर्नमेंट की क्वारंटीन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही थी। वहां आने से पहले वो हंगरी में ट्रेनिंग कर रही थी अपने कोच वुली एकोस के साथ। इंडियन कंटिंजेंट 3 दिन के क्वारंटीन में था लेकिन जब वो एक दिन वहां पहुंची, हंगरी में सीधा आने की वजह से उन्हें क्वारंटीन में नहीं जाना था। अगर वो जाती तो कोविड का स्प्रेड होने का रिस्क बढ़ता, इसलिए वो इंडियन 400x4 वुमेन एथलीट्स के साथ रुकी थी, इसलिए उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा था। उन्होंने कहा कि विनेश ने अपने सभी ट्रेनिंग सेशंस में इंडियन टीम के स्पॉन्सर की ऑफिशियल किट पहनी थी। रेगुलरली पहनने के कारण उसे वॉश नहीं करवा पाए। कंपटीशन शुरू होने से पहले उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें वॉमिटिंग हुई और इसी सब के बीच वो ये इंश्योर नहीं कर पाए कि उनकी ऑफिशियल जर्सी उनके पास है भी या नहीं। उनसे ये गलती जरूर हुई लेकिन ये अनइंटेंशनल और इनकरेक्ट प्लानिंग की वजह से गलती हुई। बृजभूषण शरण सिंह ने उनके फॉर्मल रिस्पॉन्स के जवाब में लेटर इशू किया कि ये जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है लेकिन तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन अगर आगे से गलती हुई तो रेसलिंग फेडरेशन को तुम पर लाइफ टाइम बैन लगाना होगा।
विनेश ने इंडियन एक्सप्रेस में अपने ओपन रिस्पॉन्स में सिमोनी बाइल्स की बात की। 24 साल की वो अमेरिकन जिम्नास्ट जिन्होंने मेंटल हेल्थ की बात कहते हुए टोक्यो ओलंपिक से एक इवेंट से विड्रॉ कर लिया था। यूएसए जिम्नास्टिक्स ने कहा था कि वो सिमोनी के डिसीजंस को होल हार्टेडली सपोर्ट करते हैं और उनकी इस बहादुरी की तारीफ करते हैं कि उन्होंने अपने वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज किया। विनेश ने लिखा कि हम सिमोनी बाइल्स को तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या इंडिया में कोई ये कह सकता है? इवेंट से निकलने की बात तो छोड़िए, ये कहकर ही दिखा दीजिए कि आप तैयार नहीं है इस इवेंट के लिए। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक अपनी हार पर मलाल तक नहीं कर सकती थी और लोग अपने खंजर निकाल कर तैयार खड़े थे, ऐसे ट्रीट किया कि मैं जैसे कोई मुर्दा चीज हूँ। किसी ने ये नहीं पूछा कि विनेश क्या हुआ, बल्कि वो अपने जजमेंट्स पास करने लग गए कि तुम्हें प्रेशर फील हो गया, तुम्हें ऐसा फील हुआ, वैसा फील हुआ। मैट पर मैं थी तो मुझे पता होगा ना कि कैसा फील हुआ, कोई मुझसे तो पूछ लो। प्रेशर हर एक एथलीट पर होता है, मुझ पर भी था रियो में और टोक्यो में भी, लेकिन प्रेशर को हैंडल करना मुझे आता है, मैं किसी प्रेशर की वजह से नहीं हारी। इसके बाद विनेश ने पूरी बात बताई कि किस तरीके से उनकी रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी उनकी डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट उन्हें नहीं दी गई थी, किस तरीके से उनकी तबीयत खराब हुई थी, उन्हें वॉमिटिंग आई थी और सेकेंड बाउट के दौरान वो ब्लैंक हो गई थी। इतना ही नहीं, WFI ने विनेश के कोच वोलर एकोस पर भी सवाल उठाए थे। बोलर विनेश को 2018 से कोच कर रहे थे और विनेश के सक्सेस में इनका बहुत ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। विनेश की कॉन्सेंट्रेशन, मोटिवेशन और टेक्निक के पीछे एकोस को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बताया जाता है। इन्होंने विनेश को अलग अलग देशों के रेसलर्स के साथ भी प्रैक्टिस करवाई ताकि विनेश इस लेवल तक पहुंच पाए। इसी तरह बजरंग पुनिया के जॉर्जियन कोच शाको बेंटिंडिस और रवि धैया के रशियन कोच कमाल मलिकोव का भी उनके सक्सेस में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन जाने क्यों WFI को फॉरेन कोचेस से दिक्कत हो रही थी? कहा गया कि एकोस विनेश के साथ अपनी वाइफ मरियाना सस्टिन को भी ट्रेन कर रहे थे। विनेश ने बताया कि मरियाना एक 4-time ओलंपियन है और विनेश की ट्रेनिंग में उन्होंने मदद ही की है। जब कोविड आया था तो एकोस अपने 1 साल के बेटे को हंगरी में छोड़कर लखनऊ आए ताकि विनेश की मदद कर सके। अपनी पर्सनल लाइफ की भी उन्होंने परवाह नहीं करी विनेश को ट्रेनिंग करवाने के लिए, इसलिए उन्हें कैसे ब्लेम किया जा सकता है? 3 साल इन्हीं कोच और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ उन्होंने इतने सारे मेडल जीते। यहाँ इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? वोलर एकोस और शाको जैसे जो फॉरेन कोचेज हैं, इन्हें स्पोर्ट्स एनजीओज ने रोप इन किया था, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट और JSW जैसे एनजीओज। सवाल ये कि WFI को इससे प्रॉब्लम क्यों थी इसके बाद भी? कहा गया कि ये एनजीओ अपना इंटरफेरेंस बंद करे, ये हमारे रेसलर्स को स्पॉइल कर रहे हैं और WFI खुद से अपने एथलीट्स का खर्चा उठा सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो विनेश को टोक्यो ओलंपिक्स में डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट क्यों नहीं दिया गया? ऐसे अच्छे कोचेस को WFI ने क्यों नहीं हायर किया? यानी ये खुद से तो कुछ करेंगे नहीं और कोई अगर स्पोर्ट्स एनजीओ यहाँ पर हमारे रेसलर्स की मदद करने की भी कोशिश करे तो उसे भी ये करने नहीं देंगे। नवंबर 2021 में JSW और OGQ इन दो एनजीओ को फोर्स किया जाता है कि रेसलर्स के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उससे पहले WFI की इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है। वही WFI जिसके चीफ बृजभूषण सिंह थे उस वक्त। इसी समय WFI ने अपनी पॉलिसी में एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बदलाव भी किया कि अगर कोई रेसलर अपना ओलंपिक कोटा जीत लेता है तो उसके बाद भी उसे ट्रायल के लिए कहा जा सकता है। और इसमें एक बड़ी अजीबोगरीब कंडीशन डाली गई कि अगर WFI को यह जरूरी लगता है तभी ट्रायल होगा, वरना नहीं होगा। मतलब ये पॉलिटिशियंस पूरी तरीके से हमारे एथलीट्स पर कंट्रोल जमाना चाहते थे, हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करना चाहते थे। WFI की ये नॉनसेंस आगे ऐसे ही चलती रही। 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नेशनल ट्रायल्स चल रहे थे जब विनेश ने बीच में ही विड्रॉ कर लिया। पता चला कि उन्हें एल्बो में चोट थी जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, एल्बो सर्जरी हो गई, फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी बार गिरूं, मैं फिर से उठ जाऊंगी। और एक बार फिर से विनेश फोगाट उठी, गोल्ड मेडल जीत कर उठी। 2022 के बर्मिंगहम कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश ने अपना 3रा कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीता। 2014 में गोल्ड, 2018 में गोल्ड, 2022 में गोल्ड, लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल्स जीते। इसके बाद बेलग्रेड में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच बृजभूषण के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ने लगा। 2023 में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस लगे। बृजभूषण जब भी बाहर जाते थे कोई भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में तो वो लड़कियों के फ्लोर पे रूम लेते थे, वैसे मेंटली टॉर्चर करते थे लड़कियों को और लड़कियों को रूम में बुलाने की ट्राई करते थे, सिंगल सिंगल लड़की रूम में आके उनसे मिले। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने प्रोटेस्ट को लीड किया। सिर्फ FIR दर्ज करवाने के लिए भी इन रेसलर्स को जंतर मंतर पर धरने के लिए बैठना पड़ा। विनेश ने कहा कि अगर देश की रेसलिंग को सुधारने के लिए उनका खेल खराब हो जाए कोई बात नहीं। देश का मान बढ़ाने वाले इन रेसलर्स को पुलिस के द्वारा फिर सड़क पर घसीटा गया। ये फोटोज जो इतिहास के पन्नों में रची जाएंगी। दुनिया में शायद ऐसा कोई और देश नहीं होगा जहां पर अपने ही देश की पुलिस अपने ही देश के गोल्ड मेडल विनर्स को इस तरीके से ट्रीट करती हुई दिखी हो।
और इस सब पर हमारे क्रेडिट जीवी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप रहे। क्रेडिट जीवी मैं क्यों कह रहा हूं इन्हें, क्योंकि जब भी हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर कोई मेडल जीत कर आते हैं तो तुरंत इनका फोन लग जाता है, बधाई देने वहां पर पहुंच जाते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, लेकिन जब प्लेयर्स को एक्चुअली में जरूरत होती है इनकी तो इनका मुंह बिल्कुल बंद रहता है। कमाल की बात यह है कि ये विनेश फोगाट को एक समय पर अपने परिवार की बेटी बताते थे जब विनेश इतने सारे मेडल्स जीत रही थी। और विनेश ये तो मेरे ही परिवार की है। लेकिन रेसलर्स प्रोटेस्ट के दौरान ये बिल्कुल चुप रहे। ब्रिजभूषण उस समय एक बीजेपी सांसद था और अब उसका बेटा करण भूषण सिंह बीजेपी का सांसद है। 2024 की इलेक्शंस में इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने रेसलर्स को सपोर्ट किया, ब्रिजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दे दी बीजेपी की। इन प्रोटेस्ट के दौरान एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा कैंपेन जारी करी जाती है इन रेसलर्स के खिलाफ। आमतौर पर जब मीडिया ट्रायल होता है तो वो अक्यूज लोगों के खिलाफ होता है, लेकिन यहाँ पर जो विक्टिम्स हैं उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा था। इतने सारे झूठ इनके खिलाफ फैलाए गए, AI का इस्तेमाल किया गया इनके चेहरों को मॉर्फ करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये तो प्रोटेस्ट करते वक्त हंस रहे थे। विनेश, साक्षी और बजरंग को बदनाम करने के लिए इनके IT सेल ने कोई कसर पूरी नहीं छोड़ी। इस चीज पर मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया था, ये वाला था, अगर आपने नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। जो बीजेपी के सो कॉल्ड अंधभक्त है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। मान लीजिए आपके घर का कोई बच्चा कहीं ट्यूशन पढ़ने जाता है और आपको एक दिन पता चलता है कि उस ट्यूशन के कोचिंग सेंटर का जो मालिक है उसके खिलाफ एक समय पर 38 केसेस लगे हुए थे। 17 केस अयोध्या में, 12 केस फैजाबाद में, 8 केस नवाबगंज में और 1 दिल्ली में। IPC के अलग अलग सेक्शंस में केस रजिस्टर हुए थे, जैसे कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट, UP गैंगस्टर्स एक्ट। आपको पता चलता है कि कोचिंग सेंटर का मालिक एक मर्डर तो खुद ही कैमरा पर कबूल करता है, पर फिर पता चलता है कि इसके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी आरोप लगे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने बच्चे को ऐसे कोचिंग सेंटर में फिर भी भेजेंगे, या फिर आप कहोगे कि कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सारी चीजें तो बस एक्यूजिशंस हैं, अभी भी कोई चार्ज साबित नहीं हुआ है कोर्ट में, और ये कोचिंग सेंटर का मालिक तो वैसे भी बीजेपी सपोर्टर है इसलिए कोई बात नहीं। खुद से सोच कर देखो, खुद को उस पोजीशन पर रखकर देखो, अगर आप अपने बच्चों को ऐसे कोचिंग सेंटर में नहीं भेजेंगे तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारे रेसलर्स एक ऐसे WFI चीफ के अंडर काम करें। जो रेसलर्स वहां आते हैं, लड़के हों या लड़की हों, वो भी किसी के बच्चे ही होंगे ना। कहां गई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स, कहां है ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? ये पूरे सरकारी सिस्टम का फेलियर है कि ऐसी जगह पर ऐसे आदमी को कंटिन्यू करने दिया गया। बाद में इलेक्शंस हुए तो ब्रिजभूषण का प्रॉक्सी संजय सिंह ही प्रेसिडेंट बन गया। इसी के प्रोटेस्ट में साक्षी मलिक ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी थी। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मान नहीं दूंगी। बाद में साक्षी मलिक को टाइम मैगजीन की वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी शामिल किया गया। लेकिन विनेश फोगाट की हम कहानी पर वापस आए तो एक तरफ यहाँ पॉलिटिक्स चल रही थी और विनेश इंडियन रेसलिंग को सभी रेसलर्स के लिए एक सेफ स्पेस बनाने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ अगस्त 2023 में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान उनके लेफ्ट लेग में नी इंजरी हो जाती है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में तो कंप्लीट टियर था ही, उसके साथ लैटरल कोलैटरल लिगामेंट में भी पार्शियल टियर देखने को मिला। उन्होंने कहा कि उनका सपना था अपने 2018 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल को रिटेन करना, लेकिन अब पार्टिसिपेशन संभव नहीं था। डॉक्टर ने सर्जरी करने के लिए कहा। वांगझोउ में होने वाले इन एशियन गेम्स में ये अपनी इंजरी की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाई और इनकी जगह अंतिम पंगाल ने 53 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बाद में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और इसी तरीके से पेरिस ओलंपिक्स में अपना कोटा सिक्योर किया 53 kg की कैटेगरी में। यहां एक बात कहनी जरूरी है कि विनेश के लिए हमदर्दी अंतिम के लिए नफरत में नहीं बदलनी चाहिए। माना कि वो ओलंपिक्स में अपने पहले ही बाउट में 10-0 से हार गई, लेकिन खेल में हार जीत चलती रहती है। उनके कोच विकास ने कहा कि अंतिम ने 53 kg का जो कोटा सिक्योर किया था पेरिस ओलंपिक्स में, उन्होंने कोई चीटिंग नहीं करी थी और ये बात उनकी सही है दोस्तों। लेकिन यहाँ चीटिंग हुई थी और चीटिंग की थी WFI ने। खुद ही इन्होंने पहले रूल बनाया कि कोटा विनर्स को ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। एडहॉक कमेटी ने भी अश्योर किया था कि कोटा के लिए ट्रायल होगा, लेकिन 21 मई को अचानक से इन्होंने कहा कि कोई ट्रायल नहीं होगा। उसके ऊपर से नॉनसेंस देखिए, कहते हैं कि ये सिर्फ इस बार के लिए एग्जेम्पशन है, इससे आगे के लिए प्रेसिडेंट इसे ना माना जाए। इस समय पर संजय सिंह WFI के प्रेसिडेंट बन गए थे, तो अगर यहाँ ट्रायल्स होते अंतिम को विनेश और 3 बाकी रेसलर्स के साथ बाउट करनी पड़ती, क्योंकि जब मार्च में पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट में ट्रायल्स हो रहे थे तो 53 kg की कैटेगरी में विनेश ने टॉप 4 में फिनिश किया था। अगर ट्रायल्स होते तो विनेश यहाँ पर शायद अंतिम को डिफीट कर पाती और पेरिस ओलंपिक्स में 53 kg में कम्पीट कर पाती, लेकिन WFI ने ये मौका विनेश से छीन लिया और विनेश को उस समय ही शक हो गया था। विनेश को उस समय से ही लगने लगा था कि WFI की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्या पता कि कोटा ट्रायल्स ये करवाए ही ना। इसीलिए विनेश फोगाट ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, पटियाला के इन ट्रायल्स में
उन्होंने 53 केजी की कैटेगरी में ही नहीं बल्कि 50 केजी की कैटेगरी में भी कम्पीट किया, दो दो कैटेगरीज में कम्पीट किया ताकि पेरिस ओलंपिक्स में जाने का मौका उनसे ये छिन ना सके। कंगना रनौत जो देश की जानी मानी ट्रोल है, उम्मीद है कि वो इस वीडियो को देख रही होंगी, इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखती है कि विनेश को प्रोटेस्ट करने के बाद भी मोदी जी ने चांस दिया है। कंगना ये दंगल है, यहाँ चांस दिया नहीं जाता, यहाँ चांस के लिए लड़ना पड़ता है। जब अप्रैल में किर्गिस्तान में एशियन रेसलिंग ओलंपिक क्वालिफायर्स हुए तो वहां विनेश ने 50 केजी कैटेगरी में कम्पीट किया और अपने शानदार प्रदर्शन के बलबूते अपना कोटा सिक्योर किया। अगर विनेश 53 केजी कैटेगरी में कोटा ट्रायल्स के भरोसे बैठी रहती, WFI के भरोसे बैठी रहती, तो वो पेरिस ओलंपिक्स कभी पहुंच ही नहीं पाती। संजय सिंह से ये सवाल तो बनता है कि सिर्फ इस बार के लिए कोटा ट्रायल्स क्यों नहीं होने दिए? क्या ये विनेश फोगाट से दुश्मनी निकालने के लिए उन्हें 53 केजी कैटेगरी में कम्पीट करने से रोका जा रहा था या कोई और कारण था इसके पीछे? इन सब सवालों के जवाब जरूरी हैं। WFI के रूल्स और रेगुलेशंस में ट्रांसपेरेंसी लाए जाने की जरूरत है। बार बार कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिलता है कि स्पोर्ट्स पर्सन को ढंग की फैसिलिटीज नहीं मिल रही, इसका समाधान जरूरी है। ये सब झेलते हुए विनेश फोगाट आगे बढ़ती रही, इंडियन रेसलिंग को उन्होंने एक सेफ स्पेस बनाने की कोशिश करी। इंटरनेशनल रेसलिंग की दुनिया में उन्होंने बहुत से अद्भुत मेडल जीते। अरे बाप रे, उसको गला पकड़ लिया है पीछे से पता नहीं किसने। विनेश फोगाट का नाम इतिहास में रचा जाएगा। आने वाले मेल और फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन उनसे हमेशा इंस्पिरेशन लेते रहेंगे। चाहे पेरिस ओलंपिक्स में उन्हें गोल्ड मेडल भले ही ना मिला हो, लेकिन अपनी इस इंस्पिरेशनल कहानी के बल पर देशवासियों का दिल जीतकर उन्होंने कुछ ऐसा जीत लिया है जो गोल्ड मेडल से भी ज्यादा कीमती है। इनके जीवन की अगली इनिंग्स के लिए इन्हें बेस्ट विशेज। और बस एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी विनेश फोगाट से कि जब आप इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हो, अब बाकी सेलिब्रिटीज की तरह अनहेल्दी शुगर लोडेड प्रोडक्ट्स मत प्रमोट करना प्लीज जनता के सामने। जो कुछ भी करे सोच कर करे। वो कहानी बताई है विनेश फोगाट की, ध्रुव राठी की जुबानी हमने सुनी। विनेश फोगाट की अगर अचीवमेंट को देखा जाए, वो जिस तरह से देश के लिए मेडल लाए, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया अपने इतने वर्षों का, उनका जो तपस्या था, उनके लिए जो है वो दिल में हमेशा ही रेस्पेक्ट बनी रहेगी। हमारे देश के लिए एक मेडल लाने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह से होना बहुत ही ज्यादा गलत है। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। रोड पे उनको घसीटा गया, ये सारी चीजें हुई, तो इस चीज को जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल भी देने की कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा। जो विपक्षी नेता थे वो जाके मिले उस प्रोटेस्ट के दौरान। मुझे लगता है प्रोटेस्ट के अलावा भी और रास्ते हो सकते थे। इस पूरे जो इंसिडेंट है इसको और भी अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन प्रोटेस्ट का सहारा ही क्यों लिया गया एंड क्यों इस तरह से चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें तो खैर मुझे नहीं पता है, तो मैं इस चीज़ के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगी। लेकिन विनेश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे देश के लिए एक वैल्यूएबल पर्सन के रूप में है। उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ चुकी है इस वक्त, जैसा कि ध्रुव राठी ने भी कहा अपने वीडियो में कि उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ चुकी है एंड कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक मूवी भी बन सकती है, जो कि मुझे भी लगता है कि बननी चाहिए एक ऐसी खिलाड़ी के ऊपर जिसने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। बहुत मजबूत इरादा रखने वाली विनेश है, एक बहुत ही मजबूत महिला के रूप में हमें जो है प्रेरित करती हैं। हम सारी महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है। की कहानी जो है वो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से भरी थी एंड ऐसे ही जैसे कि मूवीज में दिखाया जाता है, कई बार हीरोइंस की कहानी को दिखाया जाता है कि कितनी ज्यादा उतार चढ़ाव थी, जहाँ पे जीत तो मिली लेकिन साथ में इंजरी भी मिली एंड साथ में सिस्टम के खिलाफ उन्होंने लड़ाई भी करी। वीडियो के अंदर जो है लिटरली ध्रुव राठी ने हेट का जो मीटर है वो सीधा मोड़ा है नरेंद्र मोदी एंड कंगना रनौत के लिए, बीजेपी गवर्नमेंट के लिए हेट मांगा है आप लोगों से एंड जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग जरूर से देंगे, उनके जो फॉलोअर है वो जरूर से देंगे हेट। वीडियो के अंदर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है कि सिस्टम ने विनेश फोगाट को हराया है, सिस्टम की वजह से उनका वेट जो है वो ज़्यादा आया, सिस्टम की वजह से उनका वेट जो है वो उस रात पूरे रात के दौरान कम नहीं हो पाया और 2 किलो 700 ग्राम ऐसे कुछ था उनका, जिस वीडियो के अंदर जो उन्होंने बताया 2 किलो 700 ग्राम उनका जो वजन था वो बढ़ा था, तो वो उनको कम करने के लिए वो सिस्टम की वजह से वो कम नहीं हो पाया। एक रेसलर का जो टेक्निकलिटीज़ जो भी उन्होंने बताई वीडियो के अंदर, वो जो है वो कई समय से जो है विनेश फोगाट को उससे वंचित रखा जा रहा था। ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने वीडियो के अंदर डाली ताकि लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल 80% पीपल नहीं जानते होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो रेसलिंग से रिलेटेड होंगे जो लोग उनको ही ये सारी टेक्निकलिटीज पता होंगी। ध्रुव राठी के इस वीडियो को सही ढंग से एनालाइज कर पाएंगे कि
कौन सही कौन गलत एंड किसका कितना गलती है। नॉन कुश्ती जानने वाला अगर कोई बंदा है जिसको कुश्ती के बारे में कुश्ती का के भी नहीं पता है, जिसको रेसलिंग का डब्लू भी नहीं पता है जिसको, तो वो जो है बिल्कुल भी इस चीज़ को मान लेगा कि हाँ ध्रुव राठी ने बिल्कुल सही दिखाया है, सिस्टम की गलती है। हर जगह पे विनेश को नीचा गिराने की कोशिश की गई है। हमेशा जो सरकार है, हमारे देश की सरकार है, वो विनेश के खिलाफ है, विनेश के खिलाफ सरकार काम कर रही है। के अंदर तो भाई ने यही बताया है, इनके प्रोपोगेंडा को साइड रखते हैं यार, जो भी है विनेश के साथ गलत हुआ है, जो भी हुआ है एंड उसको ही पता होगा एंड उसके वकील को पता होगा, उसने केस भी करा है, उसने धरना भी दिया है, उसने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। सारे ऐसे लोग होंगे उनके साथ जो कि उनको पता होगा कि सिस्टम ने किया है, किसने किया है, क्या किया है, तो वो चीज़ें हम उन पर ही छोड़ेंगे। बाकी हमें नॉलेज नहीं है कुश्ती का, तो हम इसके बारे में कमेंट करने वाले कोई नहीं होते हैं, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ गलत कमेंट करूँ। भाई गलत हुआ है जिसके साथ, वो समझ सकता है कि कितना गलत हुआ है, बाकी जो डिजर्विंग है भाई उसको मिलना चाहिए, जो उसका हक है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि ध्रुव राठी ने अच्छा काम किया है, बाकी और भी अच्छा काम करते अगर वो कोलकाता रेप केस के बारे में एक वीडियो लेके आते, जहाँ पे कि पूरा देश अभी रेप कोलकाता डॉक्टर के रेप केस के बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में आई थिंक एक वीडियो इनको लाना चाहिए। सो देखते हैं कब तक आता है। बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ तो इन्होंने कोई वीडियो डालनी नहीं है, तो चलो छोड़ो, जो भी है अपने प्रोपोगेंडा को ये चला। मेरा काम है कि जहाँ पे भी ये गलत है वहाँ पे मैं इनको करेक्ट करूँ, इनको आईना दिखाने की कोशिश करूँ कि कहाँ पे ये गलत हो रहे हैं। इस वीडियो को ये एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से किसी और रिएक्शन के साथ, ध्रुव राठी के किसी और वीडियो के साथ, जब भी ये डालेंगे, जब भी इनका, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम वाइम लगता है, शायद इसी वजह से थोड़ा इतना लेट लाते हैं। बाइक फिर मैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसे